Plants and animal tissues are different because plants are autotrophs, so their tissues contain chlorophyll. They can make their own food. And animals can't make. Good morning. Animals do not make their own food. This is a difference. Okay, then what else is the difference between plants and animal tissues? Because चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने यही समझा है कि हाउ द एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंट. एक पॉइंट तो ये हो गया कि प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं तो उनके टिश्यूज में क्लोरोफिल है तो वो खुद बना लेते हैं ग्रीन पिगमेंट्स. एनिमल्स नहीं बना पाते. एनिमल्स दूसरों पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए उन्हें मूव करना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक अपने खाने के लिए. खूब इधर उधर दौड़ भाग और रोजी रोटी कमानी पड़ती है, खाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, टुकड़ा तोड़ के मुंह में देना पड़ता है, इतना सब कुछ करना पड़ता है. अपने आप उनका खाना नहीं बनता, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब उनका खाना मिलता है एनिमल्स को. तो इतना सारा काम करने के लिए एनिमल्स को क्या चाहिए? मैम फूड. मैम फूड फूड तो चाहिए ही. फूड तो उन्हें मिल जाएगा इतनी मेहनत करेंगे. फूड से उन्हें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी. फूड से उन्हें एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी कैसे बनेगी? जब जिंदा सेल्स होंगे, क्योंकि जिंदा सेल्स ही एनर्जी बनाते हैं. जिंदा सेल में जिंदा सेल में न्यूक्लियस होता है, जिंदा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो पावर हाउस होती है, और जिंदा सेल ही एनर्जी बनाते हैं. ठीक है, यानी एनिमल्स में टिश्यूज में सबसे ज्यादा क्या सेल्स होने चाहिए? लिविंग सेल्स. और प्लांट में ज्यादातर कैसे सेल्स होते हैं? डेड. मैम लिविंग सेल्स. प्लांट्स में डेड सेल्स ज्यादा होते हैं. लिविंग सेल्स भी होते हैं पर बहुत कम टिश्यूज में उनके लिविंग सेल्स, जैसे पत्ते हैं, हरे हरे पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, तो पौधे के ये पार्ट्स लिविंग. बट पौधे के अंदर बाहर का जो लकड़ी है जो मजबूती देता है, जो पेड़ को खड़ा रखता है, इतनी चाहे धूल आए, चाहे मिट्टी आए, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, वो सब क्या है? वो डेड सेल्स है. पर उसके अंदर जो पानी बह रहा है, उसके उसके जो पत्ते हैं, वो उसकी लिविंग सेल्स हैं. ठीक है, तो पत्ते और पौधे के सेल्स और हमारे सेल्स कैसे अलग है? कि हम लोग क्या है, ज्यादा लिविंग सेल्स से बने हैं और पौधे डेड सेल्स से ज्यादा बने हैं. पौधों में लिविंग सेल्स क्या है कि कुछ पर्टिकुलर जगह पे लिविंग सेल्स हैं. जैसे मेरिस्टमेटिक टिश्यू को ही देखो तो लोकेटेड है पर्टिकुलर लोकेशन पे. तीन तरह के मेरिस्टम लोकेटेड है. ये जो डायग्राम है 6.2 वो क्या बता रहा है? व्हाट इज दिस डायग्राम शोइंग यू? मैम जो थ्री टिश्यूज है मेरिस्टमेटिक, वो मैम अलग अलग लोकेशन पे मीन्स लोकेट है अलग अलग जगह पे. लोकेशन पे लोकेटेड है. सबसे टिप पे एपिकल प्रेजेंट है, नोड्स के नीचे इंटरकैलरी प्रेजेंट है, और साइड में लेटरल प्रेजेंट है. और इनके अपने अपने काम है कि एपिकल लेंथ बढ़ाता है, इंटरकैलरी नए पत्ते लाता है, और लेटरल डायमीटर बढ़ाता है. ठीक है? यस मैम. और उसके बाद परमानेंट टिश्यूज शुरू करे हैं हमने. और परमानेंट टिश्यूज के ऊपर ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपको ये पॉइंट बताता है. जो परमानेंट टिश्यू के ऊपर पैराग्राफ की बात कर रही हूँ मैं, ये पैराग्राफ आपको बता रहा है फीचर्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू. जो मेरा क्वेश्चन था कि मेरिस्टमैटिक और परमानेंट टिश्यूज में फर्क लिखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टमैटिक और परमानेंट, तो इससे आपको पॉइंट मिलते. पर किसी बच्चे ने अगर ये पैराग्राफ मिस कर दिया, उसने सोचा भाई आंसर तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू का आंसर तो सिर्फ इसी पैराग्राफ में है, डायग्राम के नीचे यहाँ तक है बस, उसने तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखा ही नहीं. तो अगर नेक्स्ट पैराग्राफ देखा होता तो उसे पता चलता कि नेक्स्ट पैराग्राफ में परमानेंट टिश्यू, नेक्स्ट पैराग्राफ में मेरिस्टमेटिक टिश्यू के सेल्स के बारे में लिखा है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू के सेल्स क्या होते हैं. As the cells of this tissue are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei. ये किसके फीचर्स हैं?
ये सेल्स के फीचर्स हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू के सेल्स के, कि इसके इस टिश्यू के सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं। किस बात में एक्टिव होते हैं? इनकी एक्टिविटी क्या है? डिवीजन करने में एक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं? जल्दी जल्दी से डिवाइड करते हैं। और उनके साइटोप्लाज्म डेंस होता है, उनमें सेल वॉल क्या होती है, बहुत पतली होती है, सेलुलोज की होती है मेरिस्टमेटिक टिश्यू की सेल वॉल्स। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लिया, उनका न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, सेंटर में होता है। और उनके अंदर क्या चीज नहीं होती, दे लैक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स उन सेल के अंदर बहुत कम होते हैं। वैक्यूल क्या था पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था? सेल ऑर्गेनेलीज। यस, सेंटर में न्यूक्लियस था, यहाँ पे बाकी सारी, यहाँ पे बाकी एक जाल की तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती थी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती थी इरेगुलर, ठीक है, अंदर ही अंदर पावर हाउस, और यहाँ पे गोल्जी बॉडीज होती थी ऐसे एक के ऊपर एक रखी हुई, ठीक है। वैक्यूल क्या होता था? वैक्यूल छोटे छोटे से, अगर मैंने ये एनिमल सेल बनाया क्योंकि मैंने इसका न्यूक्लियस सेंटर में बनाया, अगर मैं इसका न्यूक्लियस यहाँ कोने में बना देती और इसकी फिक्स शेप बना देती, इसकी फिक्स शेप बना के इसका, इसको वैक्यूल सेंटर में रखती बड़ा और न्यूक्लियस साइड में रखती, तो ये कौन सा सेल हो जाता? प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरिस्टमेटिक सेल्स भी प्लांट सेल्स हैं, और पर ऐसे सेल्स हैं कि इनके वैक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि उन्हें वैक्यूल से काम नहीं है, उनको कुछ स्टोर नहीं करना, उनको क्या करना है, उनको बड़ा सा न्यूक्लियस रखना है, उनको बहुत सारा साइटोप्लाज्म रखना है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी क्या है, तो उन्हें जल्दी जल्दी से एक से दो बनना है, दो से उनको चार बनना है, फिर चार से उनको, ठीक है, आठ बन जाना है, ऐसे उनको डिवाइड होते जाना है, ठीक है। फिर आठ से वो जल्दी से एक और बार बढ़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनको जल्दी जल्दी डिवाइड होना है, इस वजह से उनके पास न्यूक्लियस ज्यादा होगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, पतली सी सेल वॉल होगी, कम सारा वैक्यूल होगा, वो जल्दी जल्दी डिवाइड होते जाएंगे। तो ये किसका वर्क है, ये किसके फीचर्स है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के फीचर। अब बात आई, जब आप समझ गए कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू के क्या फीचर हैं, तो अब आप परमानेंट टिश्यूज को समझ सकते हो, क्योंकि ये उनके अपोजिट होते हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यू के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इनका फंक्शन, डिवाइड का फंक्शन क्या हो जाता है? लौट जाता है। इनका डिवाइड, डिवीजन का फंक्शन लॉस्ट हो जाता है। परमानेंट टिश्यूज डिवीजन छोड़ देते हैं। ये बने मेरिस्टमेटिक टिश्यूज से ही हैं। ऐसे टिश्यूज जो बने मेरिस्टमेटिक टिश्यूज से ही थे, पर उन्होंने डिवाइड होना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी शेप चेंज कर ली, उन्होंने अपने सेल वॉल्स में मोटी मोटी सी सेलुलोज भर ली, कोने कोने पे ज्यादा मोटी मोटी सेलुलोज भर ली, बीच में बड़ा सा वैक्यूल कर लिया, साइड में न्यूक्लियस भेज दिया, और अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट भर लिया बहुत सारा हरा हरा कलर। तो उन्होंने कुछ ना कुछ फंक्शन करने शुरू कर दिए। जब उन्होंने कुछ ना कुछ फंक्शन करने शुरू कर दिए, तो उनकी डिवाइड की फंक्शन छूट गया, और वो कौन से टिश्यूज बन गए? वो परमानेंट टिश्यूज बन गए, यानी कि वो पानी भेजने लग गए, जाइलम बन गए, वो फूड भेजने लग गए, फ्लोएम बन गए। तो उन्होंने अपनी डिवीजन की एबिलिटी छोड़कर दूसरी एबिलिटी अपना ली, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे बिकम परमानेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, व्हाट okay. What happens to the cell formed by meristematic tissue? जो सेल्स इतने जल्दी 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 बढ़ रहे थे, मेरिस्टमेटिक टिश्यू ने सब जगह सेल ही सेल फैला दिए थे, सब जगह यहाँ सेल वहां सेल, सब जगह सेल बनाओ, सब जगह सेल बनाओ। अब उस सेल का क्या काम होगा? अब वो सेल बनने के बाद उनका क्या काम होगा? What happened to the cell formed by meristematic tissue? वो कुछ ना कुछ स्पेशल functions ले लेंगे, they will take up a special role. अपनी अपनी लोकेशन के बेसिस पे वो जहाँ प्रेजेंट हैं, वो मेरिस्टमेटिक एबिलिटी लूज कर देंगे, दे विल लूज द मेरिस्टमेटिक एबिलिटी एंड दे विल टेक अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के फंक्शन कर लेने लगेंगे, बट वो अपनी एबिलिटी टू डिवाइड भूल जाएंगे। एज अ रिजल्ट वो क्या बन जाएंगे? परमानेंट
टिश्यूज बन जाएंगे, दे बिकम अ परमानेंट टिश्यू. एंड दिस प्रोसेस, यही प्रोसेस जो कि परमानेंट शेप लेने की प्रोसेस है, साइज लेने की प्रोसेस है, परमानेंट फंक्शन करने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? डिफरेंशिएशन. यस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. वो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लेते हैं सेल्स, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन. यानी कि परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टमेटिक टिश्यूज नहीं है, बट मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में जब क्या हुई है, डिफरेंशिएशन हुई है. मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में एक प्रोसेस हो गई है डिफरेंशिएशन, और वो डिफरेंशिएशन के बाद क्या बन गए हैं? आफ्टर डिफरेंशिएशन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैज फॉर्मड द परमानेंट टिश्यूज. डिफरेंशिएशन के बाद परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टमेटिक टिश्यूज ने बना दिए. द सेल्स of meristematic tissue differentiate to form different types of permanent. ठीक है, meristematic tissue के जितने भी cells उसने बनाए, जितना भी भंडार उसने cells का बनाया था, ठीक है, वो सारे cells के भंडार अलग अलग location पे जाने के बाद अपना size change करके, अपना shape change करके, अपना अलग तरह का काम करना शुरू कर दिया और वो permanent tissue बन गया. वो टिश्यूज क्या, कौन से टिश्यूज बन गए प्लांट के? परमानेंट टिश्यूज बन गए. दे डिफरेंट मेरिस्टमेटिक टिश्यू ओनली डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स. अब ये भी एक तरह के नहीं है, परमानेंट टिश्यूज भी क्या है? डिफरेंट टाइप्स के हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज. जो कल हमने बोला था और होमवर्क भी दिया था कि आपको दो तरह के परमानेंट टिश्यूज, पहले तो दो तरह के परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंस लिखना है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. और फिर उन परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंस लिखने के बाद आपको तीनों तरह के परमानेंट टिश्यूज का टेबल बनाना है, डिफरेंस बिटवीन का, स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे. फिर आपको करना था डायग्राम. तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, तो ज्यादा बच्चों के नहीं आए, बस कुछ ही बच्चों के मेरे पास आंसर आए. क्यों, सबने नहीं किया ये काम? Everyone has not done this work. Why? Why you are not doing? अगर आप रोज का काम रोज नहीं करोगे तो आप फिर अगले दिन का काम कब करोगे? जब बाप मेरा काम, कल वाला काम ही आपने आज नहीं किया है तो मैं आज और दे दूंगी, आप वो आज वाला कब करोगे? पेंडिंग में रखने से किसी का कोई फायदा नहीं होता. हम सोचे कि हम वर्क को पेंडिंग में रखें तो इससे हम बाद में एक दिन में सारा काम कर लेंगे. आप एक दिन में पूरे महीने का खाना तो एक दिन में खाते नहीं हो, हर रोज खाना खाते हो और दिन में तीन बार खाना खाते हो. आप ऐसा क्यों नहीं करते? पूरे दिन व्रत रखा करो और रात को बस एक ही बार पूरे दिन का खाना खाया करो. कर लिया करो ऐसे, कौन मना करता है? जब आप काम को ऐसा कर सकते हो तो आप, खाना भी तो एक काम ही है आपका. दर्द होता है जब भूख लगती है तो पेट में दर्द होता है, और भूख लगती है तो प्यास लगती है, तो ऐसे ही पढ़ाई की भूख और प्यास लगनी चाहिए. पढ़ाई की क्यों नहीं लगती आपको भूख और प्यास? पढ़ाई के लिए भी ऐसे ही तड़पना चाहिए जैसे भूख और प्यास के लिए तड़पते हो, तब भी तो बुद्धि बढ़ेगी, नहीं तो कैसे बुद्धि बढ़ेगी? अब एक्टिविटी है ये आपकी, एक्टिविटी में 6.2 एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आप देखोगे क्या लिखा है. वापस आ जाओ डायग्राम पे, वापस आ जाओ. 6.3 डायग्राम है, उसके नीचे एक्टिविटी दी हुई है 6.2, और इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसे पढ़ो. रीड दीज पॉइंट्स, कोई एक बच्चा रीड करो इसे. फर्स्ट पॉइंट. यस, रीड. टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर cut into very thin slice or section.
Second, now stain the slice with safrine. Place one neatly cut section on a slide and put a drop of Listerine. Third, cover with a cover slip and observe under a microscope. Observe the various types of cell and their arrangements. Compare it with figure 6.3. इन स्टेप्स में हमें क्या क्या बताया कि आपको एक प्लांट का स्टेम लेना है, कोई सा भी प्लांट आप ले सकते हो। आपने किसी भी एक पौधे की एक छोटी सी डाली तोड़ी और उस डाली में आपको इसका स्टेम मिलेगा, उस डाली से लगे हुए पत्ते होंगे, ठीक है। तो उस डाली को आपने तोड़ा, ये डाली है, इस डाली को आपने तोड़ा और इसमें एक ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे इस ब्रांच को मान लो आपने ये छोटी सी ब्रांच तोड़ ली, तोड़ ली। अभी इस ब्रांच का आपने सीधा रख के इसका यहाँ से एक सेक्शन काट लिया, एक बिल्कुल शार्प नाइफ लिया आपने और शार्प नाइफ से आपने इसका एक सेक्शन काटा, ठीक है। जब आप इसका सेक्शन काटोगे तो इसका गोल सा सेक्शन आएगा, एक छोटा सा बिल्कुल पतला सा लेयर, ठीक है। तो अब इस सेक्शन को आप किसमें डाल दोगे, आप इस सेक्शन को एक, हमने जो एक बार कवर स्लिप में स्टेनिंग सोल्यूशन डाला था, सेफ्रोनिन पिंक कलर का होता है वो, पिंक कलर के सोल्यूशन में आप इसे डाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसमें डाई डाल दी पिंक कलर की, तो ये डाई इस पे भी चढ़ जाएगी, इस सेक्शन पे भी चढ़ जाएगी। तो जब इसे आप स्टेन कर लोगे, अब आप इसको उठा के उसकी मदद से, ब्रश की मदद से वापस से लाओगे और इसे एक स्लाइड के बिल्कुल सेंटर पे रखोगे। एक स्लाइड ले लोगे, उस स्लाइड के इस सेक्शन को आप उठाओगे, ठीक है। यू विल विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, ठीक है, एक ब्रश की मदद से आप ब्रश लोगे, एक पेंट ब्रश, उस ब्रश की मदद से इसे पिक करोगे और इस स्लाइड के सेक्शन, इस सेक्शन को यहाँ पर सेंटर में रख दो। जब आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, फिर जब आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये इस तरह का डायग्राम दिखेगा आप, दिस टाइप ऑफ डायग्राम यू विल सी, ठीक है। तो ये इस तरह का डायग्राम है, तो इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, गोल सेक्शन में आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा। ये जो ग्रीन ग्रीन सी, ये जो ग्रीन ग्रीन सी बाउंड्रीज हैं, ये क्या है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर होगी ये स्टेम की, और इस आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस, इसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर होती है, यूनिफॉर्म होती है, पूरी क्लोज पैकिंग होती है, और बिल्कुल यूनिफॉर्म मतलब सब जगह से बराबर होती है और पूरी बंधी हुई होती है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। देन उसके बाद आपका एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर आती है, उसी के जस्ट नीचे सपोर्टिंग लेयर हाइपोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक और सेकंड लेयर आती है, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। देन हाइपोडर्मिस के बाद दो तीन लेयर्स आती हैं जो रैंडमली सेल्स की बंधी हुई होती हैं। यहाँ पे भी देख रहे हो आप, इस वाले में भी, साइड वाले में भी देखते रहो। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसका एक लेंथ वाइज हिस्सा उठा लिया, मतलब ये तो पूरा वो गोल सेक्शन है जो हमने काटा था, बट अगर इसका भी एक ही पतला बस ये ट्राइंगुलर हिस्सा हटा, जैसे केक है, केक का हम एक स्लाइस निकालते हैं नहीं निकालते, ऐसी इसका भी एक स्लाइस निकाल के अलग रख दिया है। तो ये दोनों के अंदर जो मैटर है वो सेम ही है। लेबलिंग्स पे ध्यान दो, एपिडर्मिस यहाँ पर एक सिंगल लेयर यूनिफॉर्म की दिख रही है फर्स्ट डायग्राम में, तो दूसरी डायग्राम में भी यहाँ पर पर्पल रंग की दिखा रखी है एक सिंगल लेयर की। और इस एपिडर्मिस से तुम देख रहे हो ट्राइकोम नाम का एक हेयर जैसा बाहर निकल रखा है, यहाँ पे भी निकल रखा है। तो स्टेम में भी, ये स्टेम की लेयर थी, तो स्टेम में कुछ हेयर जैसे एक्सटेंशंस बाहर की तरफ निकले होते हैं एपिडर्मिस से, उन एक्सटेंशंस को ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स। फिर इसके अंदर एक म्यूसिलेजिनस केनाल भी होती है, बीच में एक ऐसा सर्कल सा इस कॉर्टेक्स रीजन में होता है, कॉर्टेक्स रीजन में एक सर्कल जैसा होता है जो म्यूसिलेजिनस मतलब कुछ ऐसा स्टिकी और शाइनिंग और स्मूथ सब्सटेंसेस बड़ा बना के निकालते रहते हैं,
जिसकी वजह से जो एपिडर्मिस पे आता रहता है और लेयर बनाता रहता है। स्टेम कैसी होती हैं? शाइनिंग होती हैं। हर प्लांट की स्टेम कैसी होती हैं? शाइनिंग, क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस कोटिंग सी पड़ी रहती है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नहीं तो पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा। पानी को इवेपोरेशन से बचाने के लिए म्यूसिलेजिनस को कवरिंग स्मूथ अपीयरेंस देती है, ठीक है। देन हाइपोडर्मिस की बात हुई, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर्स, एक दो लेयर्स वो हाइपोडर्मिस हैं। देन कॉर्टेक्स हैं, नीचे की दो तीन लेयर्स वो कॉर्टेक्स हैं, ये वाली, ये भी यूनिफॉर्म सेल्स की बनी हुई है। देखो सारे सेल्स सिंपल टिश्यूज हैं, ये हाइपोडर्मिस में भी सिंपल टिश्यू है और कॉर्टेक्स में भी सिंपल टिश्यू है। सारा सेल्स एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? यस मैम। के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की बात आ रही है तो ये भी एक सिंगल सी लेयर है, ये रही डार्क ग्रीन रंग की थोड़ी सी दिखा रखी है, जो रेड कलर के सेल्स के ऊपर है जस्ट। ये पूरी क्या है? एंडोडर्मिस है, दिस इज अ एंडोडर्मिस, ठीक है। अब इसके बाद रेडिश कलर का एक पूरा पैकेट सा दिखा रखा है, उसे क्या बोला है? पेरिसाइकल। इस रेड कलर के पैकेट को क्या बोला है? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद फिर ग्रीन ग्रीन कलर के छेद छेद से यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे छोटे छोटे से छेद है ग्रीन ग्रीन कलर के, ये चौड़े चौड़े से हेक्सागन जैसे छेद है। ये एक्चुअली में माउथ है। किन सेल्स के माउथ है? ये वेसल्स के माउथ है, वेसल्स के नीचे ट्यूब्स के माउथ है, क्योंकि ये किसका टिश्यू है? फ्लोएम का टिश्यू है। फ्लोएम में कौन से सेल्स होते हैं? सीव ट्यूब्स। तो ऊपर से देखने पर ये सीव ट्यूब्स के सेल्स हैं, जो कि फ्लोएम टिश्यूज के ये सारे एक दूसरे से जुड़े जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़ जुड़ के ऐसे करके एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ओपनिंग्स दिख रही हैं, वी ओनली आर एबल टू सी द ओपनिंग्स हियर, ठीक है। तो इट इज फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू इज रिमेनिंग आउटसाइड, एंड देन एक स्ट्रिप आ जाएगी कैम्बियम के टिश्यू की, पर्पल रंग का जो टिश्यू दिख रहा है, दिस इज कैम्बियम। अब यहाँ पे भी देख लो इस तरफ कैम्बियम, इस वाले डायग्राम में, इस वाले में फ्लोएम को कैसे दिखाया है? ग्रीन कलर की स्ट्रिप से दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीन कलर के माउथ दिख रहे थे। फिर एक डार्क सा जोन है एक लाइन का, ये वाला डार्क सा जोन है लाइन का, पिंकिश लाइन का, या फिर ब्लैकिश लाइन बोल सकते हो, उसको क्या मार्क किया है? इस ब्लैकिश लाइन को क्या मार्क किया है? कैम्बियम। फ्लोएम के जस्ट होगा कैम्बियम होगा, और कैम्बियम के बाद और मोटे मोटे से सेल्स और बड़े बड़े माउथ जैसे दिख रहे हैं उसके अंदर, वो किसके सेल्स हैं? वो किसकी ओपनिंग्स हैं? ये जो हैं, ये जो बड़े बड़े से छल्ले से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ये किसके हैं? दीज आर जाइलम, दीज आर व्हाट? जाइलम, दीज विल बी जाइलम टिश्यूज, ठीक है। अब आ गई बात इनके बीच के गैप की, क्योंकि ये खाली तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे भी टिश्यू होगा, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट रीजन में सब जगह टिश्यू होगा बीच बीच में। तो व्हाइट व्हाइट रीजन में जो टिश्यू होता है उनको क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज। और इस पूरे को, जाइलम प्लस फ्लोएम को, इस पूरे को क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल। इस पूरे को क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल। बाहर इस वस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है पीएच, बीच में क्या होता है? कैम्बियम होता है सी, और सबसे अंदर क्या होता है लाइन से लगा हुआ? जाइलम, जाइलम, ठीक है। वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट है, दिस इज वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट। देन पिथ होती है, जो भी बच गया बाकी का टिश्यू, सब जगह जो बच गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जो भी सारे जगह जो चीजें बच गई है वहां पे क्या भर देंगे? पिथ भर देंगे, will be pith। and ये कौन से cells हैं? ये भी simple tissues आपको दिख रहे हैं, सारे cells का एक जैसा shape है, एक जैसा size है, सारा सारा बस भरा हुआ है ये, ठीक है। तो सारा बस भरा हुआ है, filling tissue है, कल भी हमने पढ़ा था। तो filling tissue कौन सा होगा? pith में कौन सा tissue होगा? parenchyma। parenchyma, pith में parenchyma होगा, ये filling tissue है, ये जहाँ पे भी जगह होती है वहाँ पे parenchyma भर दिया जाता है। Yes, ma'am। यहाँ पे भी पेरेन्काइमा भरा हुआ है, यहाँ पे भी पेरेन्काइमा भरा हुआ है, ये सब पेरेन्काइमा है, भरा हुआ है। अब हाइपोडर्मिस में क्या होगा? हाइपोडर्मिस में थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए, इस वाले रीजन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए, दो तीन लेयर जो है, तो इसमें थोड़ा सा देखो आप, सेल वॉल थोड़े से मोटे हैं, ज्यादा yes,
नहीं है, सेल वॉल ज्यादा गाढ़ी गाढ़ी बनाई है, कॉर्नर स्पेस ज्यादा थिक बनाई है, तो इसका मतलब ये कौन सा टिश्यू है जिसका कॉर्नर स्पेस ज्यादा थिक है? कोलेनकाइमा। तो ये हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा होगा, ठीक है, हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा होगा। बीच में वापस कॉर्टेक्स में सेल्स स्पेस ही आने लग गई, पतली सी लेयर आने लग गई, तो कॉर्टेक्स में वापस से क्या होगा? पेरेनकाइमा। यस मैम। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ होगा फिर? स्क्लेरेनकाइमा मोटा सा शीट है पेरिसाइकल का, ये जो पेरिसाइकल की शीट है इसमें ज्यादा थिकनिंग है, ये इसमें सबसे ज्यादा थिकनिंग है पेरिसाइकल में, ठीक है, तो ये क्या होगी? स्क्लेरेनकाइमा की हुई। ठीक है, ओके मैम। और कैम्बियम की एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने पहले ही बताई थी, कैम्बियम क्या है? एक मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। कैम्बियम इज अ स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ठीक है, ये नए नए फ्लोएम नए नए जाइलम बनाता रहता है। जब पुराने फ्लोएम खत्म हो जाते हैं, सेल का डायमीटर बढ़ाना होता है, पूरे स्टेम का डायमीटर बढ़ाना होता है, तो कैम्बियम आपस में जुड़ जाता है, सब जगह इतनी ग्रोथ करता है कि ये पूरे पूरे सर्कल को आपस में जोड़ देता है। जब ये पूरे सर्कल को आपस में जोड़ देता है, यहाँ पे और सेल बनाता है, और तो नया नया जाइलम नया नया फ्लोएम ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह बनाता जाता है, उससे क्या होता है? सेल का डायमीटर बढ़ जाता है। कैम्बियम एक तरह का लेटरल मेरिस्टम है। कैसा मेरिस्टम है? लेटरल मेरिस्टम, जो डायमीटर बढ़ाता है किसी भी प्लांट का, ठीक है, किसी भी प्लांट का डायमीटर बढ़ाने के लिए। अब ये बात हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज की हमने देख लिया कहाँ कहाँ कौन कौन से टिश्यूज लोकेटेड है, यानी कि सेंटर की ये सारी चीज पिथ है, ये सारी चीज पिथ किससे भरी हुई है? सेंटर की किससे भरी हुई है ये सारी पिथ? ये सारी किससे भरी हुई है? पिथ मैंने क्या बोला? फिलिंग टिश्यू है, पेरेनकाइमा, सब जगह क्या भरा हुआ टिश्यू, पेरेनकाइमा भरा हुआ पेरेनकाइमा। बीच बीच में जहाँ पे भी गैप है, यहाँ यहाँ पे भी गैप है, बीच बीच में यहाँ यहाँ पे भी क्या जाएगा? पेरेनकाइमा जाएगा। जहां जहां भी गैप है वहां वहां क्या जाएगा? पेरेनकाइमा जाएगा, ठीक है। फिलिंग टिश्यू पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा इज अ फिलिंग टिश्यू। प्लस पेरेनकाइमा अगर ऊपर की तरफ है, कॉर्टेक्स की तरफ है, तो वो अगर ग्रीन है, क्योंकि स्टेम ग्रीन भी होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, इट विल डू फोटोसिंथेसिस। पेरेनकाइमा अगर कैम्बियम में है तो वो मेरिस्टमैटिक है, मैंने बोल दिया। अगर कैम्बियम में है तो वो नए सेल्स बनाएगा, क्या बनाएगा? नए जाइलम और नए फ्लोएम, इट विल मेक जाइलम एंड न्यू फ्लोएम। क्लियर? अब हम डायग्राम समझने के बाद हम किस पे आते हैं? हम पैराग्राफ समझते हैं। हमने डायग्राम समझ लिया, हमने देख लिया कि स्टेम की अगर हम पतली सी सेक्शन काटेंगे, तो स्टेम का पतला सा सेक्शन काटने के बाद हमें इतने सारे टिश्यूज दिखते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ये देख रहे हो आप, ये एक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं। एक्टिविटी के क्वेश्चंस क्या क्या है? आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? क्या सारे सेल्स आपको सेम स्ट्रक्चर के दिखे? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स यू फाउंड कैन बी सीन? कितने तरह के सेल्स आपको दिखे? कितनी तरह के सेल्स दिखे आपको? तीनों तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज दिखे। ठीक है, तीनों तो सिंपल परमानेंट दिखे आपको, और दो दो दिखे कॉम्प्लेक्स, टू आर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और कौन सा दिखा बीच में? मैम मेरिस्टमैटिक, एक मेरिस्टमैटिक भी दिखा, मेरिस्टमैटिक मेरिस्टमैटिक कैम्बियम, क्या था आपका? कैम्बियम था, इट वाज यस मैम। तो इतने सारे आपको सेल्स दिखे, और एक आपका ग्लैंडुलर सेल भी दिखा था, वो आप भूल गए। ग्लैंडुलर सेल जो कि मैम यस सर, वो बीच में से बना रहा है, ये बना बना के यस मैम स्मूथ कर, ठीक है, ओके मैम, ओके। तो ये सब आपको सेल्स दिखे, और ये जो एपिडर्मिस है इसे प्रोटेक्टिव भी कहते हैं। एपिडर्मिस टिश्यू भी दिखा जो कि प्रोटेक्टिव है, इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। सबसे बाहर है सबसे ज्यादा कवरिंग करेगा, ट्राइकोम्स भी इसमें होते हैं, स्टेम हेयर्स,
दिस इज प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो दिस इज ऑल्सो सेम। इसका पूरा एक नया टॉपिक है आपके पास, इसका एपिडर्मिस टिश्यू का प्रोटेक्टिव टिश्यू करके हेडिंग में आपके पूरे आगे चैप्टर yes, मैम टिश्यू का पूरा हेडिंग है। ये टॉपिक ये सब टिश्यूज आपको दिखते हैं जब आप किसी भी सेक्शन का डायग्राम बनाते हो स्टेम का, तो आपको ये सब टिश्यूज क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, क्या पूछ रहे थे? हमें न्यू टॉपिक डाल के करना है ना आगे आगे, मतलब एपिडर्मिस का। हाँ वो तो अलग से जब मैं पढ़ाऊंगी प्रोटेक्टेड टिश्यू तब वो लिखना होगा, अभी तो हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज का ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, कैन वी थिंक ऑफ रीजंस, क्या हम कोई रीजंस बता सकते हैं कि क्यों इतने सारे तरह तरह के सेल्स जरूरी हैं? Why this? There are so many types of cells. Special work to do different functions. To do special functions and to make new cells and tissues in our body. ठीक है, तो different different functions करने के लिए कर मिलते हैं ये सारे cells. अलग अलग cell अलग अलग काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका design अलग अलग है, उनकी shape अलग अलग है, उनके इसीलिए function भी अलग अलग है. Now we can also try to cut sections of plant root. अगर हम root को cut करके देखें, तब भी हमें उसमें ऐसे ही goal section मिलेगा, और उस goal section में इसी तरह के सारे layers मिलेंगे, epidermis, hypodermis, cortex, endodermis. Root के section में ये मिलेगी, क्योंकि वो भी तो एक plant tissue ही है, but उसमें क्या होगा? Yes ma'am. उसमें parenchyma के layers कम होंगी, उसमें green color के, क्योंकि root green नहीं होती है, रूट फोटोसिंथेसिस करती, तो उसमें फोटोसिंथेसिस के सेल्स कम होंगे, ठीक है? तो कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे, बट रूट के भी सेक्शंस में ज्यादातर टिश्यूज ऐसे ही मिलेंगे. वी ऑल्सो फाइंड इन द रूट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. यहाँ ट्राइकोम है, वहां क्या होगा एपिडर्मिस का? रूट हेयर होगा, ट्राइकोम की जगह रूट हेयर होगा रूट वाले में. ठीक है, अब सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की टॉपिक शुरू हो रही है. सिंपल परमानेंट टिश्यू का पैराग्राफ पढ़ो कोई बच्चा. यस मैम, कैन आई रीड? यस, एनी वन स्टूडेंट ट्राई टू रीड दिस फर्स्ट पैराग्राफ, सिंपल परमानेंट टिश्यू. A few layers of cell from the basic packing tissue. This tissue is parenchyma, a type of permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. They are live cells. They are usually loosely packed so that large spaces between cells, intercellular spaces, are found in this tissue. This tissue provides support to plants and also This tissue provides support to plants and also stores food. In some situations, it contains chlorophyll and performs photosynthesis. And this is called chlorenchyma. This is called chlorenchyma. ठीक है, यहीं तक रहने दो अभी. यहाँ तक अब हम समझ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि कुछ लेयर्स, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फ्रॉम बेसिक पैकिंग टिश्यू, कि ये जो पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, या कुछ लेयर्स में जो होता है टिश्यू जो बेसिक पैकिंग बनाता है वो, दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा. इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा बोलते हैं. ये एक टाइप है परमानेंट टिश्यू का, और इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स. मतलब इसमें कोई भी ज्यादा स्पेशल फंक्शन नहीं है, बहुत सिंपल टिश्यू है ये, और इसकी बहुत पतली पतली सी सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी हुई. एंड दीज आर लाइव सेल्स. और ये सेल्स कैसे होते हैं, मतलब पैरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? लिविंग सेल है, लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग टिश्यू है. दे आर यूजली लूजली पैक्ड, और ये वाले टिश्यूज जो है वो लूजली पैक्ड है, ज्यादा टाइटली एक दूसरे के लिए
के साथ नहीं होते, बीच बीच में स्पेसेस होते हैं, हैज इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो लूजली पैक अगर कोई चीज होगी तो उसमें स्पेस होगा, तो इसमें भी टिश्यूज के सेल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। आगे क्या लिखा है, सो दैट द लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा स्पेसेस मिलती हैं सेल्स के अंदर। एंड दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। इसके दोनों काम है, सपोर्ट भी दे देता है और ज्यादा मेन काम है तो इसका फूड स्टोर करना है, क्योंकि ये फूड बनाएगा भी, अगर ये लिविंग है इसमें क्लोरोफिल भी है और ये फूड बनाएगा तो जो खाना इसने बनाया वो इसमें स्टोर भी होगा, स्टोर भी करता है खाना। एंड इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल, कुछ कुछ सिचुएशन में इसमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस करता है, एंड इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। इसको क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जब पेरेनकाइमा में, यानी कि क्लोरेनकाइमा की डेफिनेशन क्या बनी, कि व्हेन द पेरेनकाइमा सेल्स हैज क्लोरोफिल इन इट एंड इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, देन दिस वी कॉल इट अ क्लोरेनकाइमा टिश्यू। पेरेनकाइमा को ही क्या बोला जाता है, तब क्लोरेनकाइमा बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल एंड इट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, तो इस वजह से उसको हम क्लोरेनकाइमा बोल देते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स, अब ये भी एक स्पेशलिटी, एक स्पेशलिटी तो ये हो गई कि उसके अंदर क्लोरोफिल होगा और वो फोटोसिंथेसिस करेगा, बट एक और स्पेशलिटी क्या है कि अगर उसमें एक्वेटिक प्लांट है, कोई लोटस है, कोई एक्वेटिक प्लांट है, तो उसमें एयर कैविटीज भी होंगी, बड़े बड़े एयर वैक्यूल्स होंगे, और ऐसे पेरेनकाइमा जिसमें एयर कैविटी रहती है जिसकी वजह से पौधा फ्लोट करता है, पानी पे तैरता है, और उसको एरेनकाइमा कहते हैं। उस पेरेनकाइमा को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा, मतलब उसके अंदर एयर है। जब क्लोरोफिल है तो क्लोरेनकाइमा, मतलब क्लोरोफिल अंदर है। जब एयर भरी हुई है उसके अंदर, तब एरेनकाइमा, मतलब उसके अंदर एयर है। एंड द पेरेनकाइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। और अगर रूट का पेरेनकाइमा हो जाए, चाहे वो स्टेम का पेरेनकाइमा हो, अगर वो न्यूट्रिएंट